How to change hard drive in Xerox 58 series and install the software after changing the hard drive. Let's start. Welcome to Stack and Traders Think Beyond Limits. आज के इस वीडियो में हम Xerox 58 series की हार्ड ड्राइव चेंज करेंगे. सबसे पहले हम बैक कवर को ओपन कर लेंगे और ये स्लाइड ओपन करने के बाद हम देख सकते हैं कि हार्ड ड्राइव हमारे सामने ही लगी है और ये हार्ड ड्राइव का जैक है. ये जैक उतारने के बाद हम इसमें दूसरी हार्ड ड्राइव जो कि न्यू हार्ड ड्राइव है हमारे पास तोशिबा की वो इंस्टॉल करेंगे. हार्ड डिस्क को इस फ्रेम में रखने के बाद हम हार्ड डिस्क का जैक यहाँ पर लगाएंगे और इसके बाद हम साइड पे इसके चार स्क्रूज लगा देंगे ताकि हार्ड डिस्क हमारी यहाँ पर फिक्स हो जाए. इसके बाद हम मशीन के बैक साइड पे सॉफ्टवेयर की यूएसबी लगा के मशीन को ऑन कर देंगे ताकि न्यू हार्ड ड्राइव में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए. यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है और सिर्फ स्कैन इंजन और प्रिंट इंजन की बार कंप्लीट होने वाली रह गई है और ये दोनों बार कंप्लीट होने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि रिमूव द यूएसबी एंड देन प्रेस ज़ीरो बटन. तो हम यूएसबी को उतार के पैनल से ज़ीरो का बटन प्रेस कर देंगे और ज़ीरो का बटन प्रेस करने के बाद मशीन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगी और रीस्टार्ट होने के बाद मशीन पूरी तरह से रेडी हो जाएगी. अक्सर मशीन रेडी नहीं होती और इंस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन का जो फर्मवेयर है वो इंस्टॉल होने लग जाता है तो उसको आपने वैसे ही छोड़ देना है जब तक मशीन रेडी पोजीशन में नहीं आ जाती. इसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन पेज या टेस्ट पेज प्रिंट करेंगे और अपना रिज़ल्ट चेक कर लेंगे मशीन का. और सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद हमारे पास मशीन का ये रिज़ल्ट आया है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है डबल साइड में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक एंड सब्सक्राइब.